अब तक हमने क्या क्या कवर किया? अब तक हमने देख लिया कि हमारे पास क्या क्या था। हमारे पास RDT 3.0 हमने कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने बिट एरर्स हो गई, हमारे पास ड्रॉप टाइम हो गया, ड्रॉप टाइम नहीं, हमारे पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, उसको भी हमने अच्छे तरह से हैंडल कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम चले थे यूटिलाइजेशन के ऊपर। हमने देखा कि अगर हमारे पास 1 Gbps का लिंक है और RTT हमारा 30 मिलीसेकंड का है और हमारा कुछ ठीक ठाक पैकेट साइज है, तो हमारी यूटिलाइजेशन सिर्फ इतनी है। उसका इलाज हमने ऐसे बोला कि हम एक साथ बहुत सारे पैकेट्स भेजते हैं एक्नॉलेजमेंट का वेट करने की जगह, और इससे हमारे क्या होगा, हमारी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको हैंडल करने के प्रोटोकॉल्स क्या हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारे दो स्कीम्स हैं, एक GBN हो गई, एक हमारी SR हो गई, तो हम यहाँ पे कवर करेंगे GBN प्रोटोकॉल। सबसे पहले GBN प्रोटोकॉल, ये अपना सबसे सिंपल प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है गो बैक एन, जहाँ पे एन हमारा होगा कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स एक साथ हम भेज रहे हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स सेंट एट ए टाइम। बट ठीक इसमें है, एक मेन चीज और ये भी है कि जब तक हम पैकेट भेज रहे हैं, जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, तब तक हमें उस पैकेट को अपने किसी मेमोरी में रखना है ना। वो मेमोरी में रखना रहेगा। ठीक है, वो एजम्पशन है, वो अभी आगे होंगी क्लियर। तो और हम पता कैसे बोलेंगे लगाएंगे कि कौन सा एक्नॉलेजमेंट किसका है, मतलब ऊपर नीचे भी तो आ सकते हैं मे बी। हाँ आ सकते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसी चिंता ना कर। तो हम यहाँ पे रखेंगे सेंडर विंडो का साइज, जो कि है अपना 4। एग्जांपल के लिए हमारे एन की वैल्यू हम ले रहे हैं 4। ठीक है, तो हम मेमोरी के अंदर एक इंडेक्स टेबल बना के रखेंगे कुछ। तो पहले क्या था कि हमारे जो सीक्वेंस नंबर्स थे वो 0101 ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे थे। सही बात है। सही बात है। अब यहाँ पे हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे सीक्वेंस नंबर हमेशा इंक्रीज करें। अच्छा ठीक है, या हमेशा इंक्रीज करने के बजाय हम यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है, तो मैं सीक्वेंस नंबर 0 से लेके 7 तक रखूंगा, या 0 से लेके 8 तक रखूंगा, फिर वापस रिस्टार्ट कर दूंगा, 7, 7 के बाद 0, फिर वापस ऐसा ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जाने के बजाय हम सिंपली ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सीक्वेंस नंबर हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि हमें कभी भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा लेफ्ट में सेंडर, हमारा राइट में रिसीवर। हमने क्या बोला, हम 4 पैकेट भेजेंगे, पैकेट नंबर 0, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3। 0, 1, 2, 3 हम ये मान के चल रहे हैं कि सक्सेसफुली वहां पे रिसीव हो चुके हैं। इसने भेजा एक्नॉलेजमेंट नंबर 0, जो कि अपने को रिसीव हो चुका है। इसने भेजा एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, जो कि अपने को रिसीव हो चुका है। रुक जा, अपन थोड़ा सा असली एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे पैकेट नंबर 1 गया, लेकिन पैकेट नंबर 2 भेजते भेजते बीच में टूट गया। ये मेरा केस है। ठीक है, ठीक है। तो GBN क्या बोलता है, ओनली सेंड द एक्नोलेजमेंट फॉर द लास्ट पैकेट विच वॉज रिसीव्ड कॉन्जिक्यूटिवली। ये इसका रूल है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इसको 1 मिला, मिला एक्नॉलेजमेंट 1 की भेजेगा, इसको नहीं, इसको 0 मिला, एक्नॉलेजमेंट 0 भेज दी इसने, इसको 1 मिला, मिला इसने एक्नॉलेजमेंट 1 की भेज दी, इसको अब 3 मिला, ये ऊपर भेजने की बजाय ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट 1 की भेजेगा कि ठीक मेरे को अब तक सिर्फ 1 ही मिला है। ठीक है, और है। 3 को डिस्कार्ड कर देगा, 3 को मेमोरी में रखेगा ही नहीं, 3 को हटा ही देगा सिस्टम से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब सामने वाले को 0 मिला, ये भेज देगा 4, जब सामने वाले को 1 मिला, ये भेज देगा 5। सही है, सही है। जब इसने 1 भेजा, 1 बेसिकली इग्नोर हो जाएगा, हमने बोला था कि 1 हमारा इग्नोर हो जाएगा। सही बात है, तुमने बताओ। थ्री को डिस्कार्ड कर दिया।
थ्री को डिस्कार्ड कर दिया रिसीवर ने। ठीक तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्नोलेजमेंट 0 आई, एक्नोलेजमेंट 1 आई। यहाँ पे मेरे पास एक्नोलेजमेंट 1 वापस आई। एक्नोलेजमेंट 1 ये डुप्लीकेट वाली है, इसको मैं सिंपली इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, सी से एक्नॉलेजमेंट 1 क्यों आ रही है? अच्छा, क्योंकि वो एक्नॉलेज जीबीएन सी को को रूल बोलते हैं। डिस्कार्ड करके वो एक्नॉलेजमेंट 1 ही की भेज देगा फिर से। ठीक हाँ, ये एक्नोलेजमेंट 1 है, इसको इग्नोर करो। है ठीक है, इसको 4 मिला, 4 को इग्नोर करेगा, 1 भेज देगा, 4 को डिस्कार्ड कर देगा। इसको 4 ठीक मिला, 4 को इग्नोर करेगा, 1 भेज देगा, 1 की एक्नोलेजमेंट भेज देगा। मतलब 1 भेजने का मतलब है एक्नोलेजमेंट, एप्लीकेशन को सिर्फ यहां तक जाएगा, एप्लीकेशन को ये नहीं है जाएंगे नीचे। ठीक है, ये वन 5 मिला, 5 ये डिस्कार्ड कर देगा, की और एक्नॉलेजमेंट। ये 1 की एक्नोलेजमेंट यहाँ पे वापस भेजता रहेगा। ठीक है, तब तक क्या हुआ हमारा कि पैकेट 2 का टाइम आउट आ गया। मान लिया कि यहाँ पे हमारा टाइम आउट टाइमर 2 एक्सपायर्स, तो हर पैकेट के लिए हमारा अलग अलग टाइमर होगा। जैसे ही पैकेट एक्सपायर, इसका टाइम आउट होगा, ये सारे के सारे पैकेट वापस भेजना चालू कर देगा। 2 एक्सपायर हुआ तो 2 भेजो, 3 एक्सपायर हुआ 3 ठीक भेजो, 4 एक्सपायर हुआ 4 भेजो, 5 एक्सपायर हुआ 5 भेजो। इस बार हमें जूम करके चल रहे हैं कि सामने सब कुछ मिल गया। तो देख, इसको अब तक एक ही मिला था, अब इसको 2 मिल चुका है, तो 2 एक्सेप्ट करेगा, 2 का एक्नोलेजमेंट भेज देगा। तो इसने 2 का एक्नोलेजमेंट यहाँ पे भेज दिया। इसको 3 मिला, ठीक 3 का एक्नोलेजमेंट ये भेज देगा। इसको 4 मिला, 4 का एक्नोलेजमेंट ये यहाँ पे भेज देगा। इसको 5 मिला, 5 का एक्नोलेजमेंट ये यहाँ पे भेज देगा, और एप्लीकेशन को भी ऊपर मिलते रहेंगे, ठीक है और ये अपने एक्नोलेजमेंट ऐसे कंटिन्यू होते रहेंगे। कोई डाउट? डाउट तो मतलब बहुत सारे केसेस है जो डिस्कस करने हैं, बट ये केस जितना तुमने कंस्ट्रेंट बताया उसके हिसाब से क्लियर है। हाँ, उसके हिसाब से क्लियर है। तो एक बार इसकी मेमोरी हैंडलिंग देख लेते हैं कि रिसीवर में, देख रिसीवर में बहुत सारे वो हैंडल करने पड़ेंगे ना अपने को, कि कौन कौन से आ चुके हैं, कौन कौन से नहीं आए। तो यहाँ पे एक एरे मान ले अपनी, ठीक है, और एरे को मैं 4 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, टू द इन्फिनिटी, मतलब जितने भी अपने एक्नोलेजमेंट जनरेट कर रहे हो तब तक कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाला पार्ट है सेंट या एक्नोलेज्ड, जिस वाले पैकेट को हमें छेड़ना भी नहीं है, वापिस नहीं देखना। ठीक है, दूसरा पार्ट है सेंट बट नॉट एक्नोलेज्ड, तीसरा पार्ट है कैन बी सेंट बट नॉट सेंट येट, चौथा पार्ट है कांट सेंट। और ये हमारा विंडो का साइज है एन। ये है हमारा सेंड बेस कि यहाँ से हमें भेजना है, और ये हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर। ठीक अच्छा है, तो क्या होगा बेसिकली, मान लिया हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने के लिए हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं होगा, ये हमारा इंडेक्स नंबर 0 होगा। ऊपर से डाटा आ रहा है, जैसे जैसे डाटा आया मैं अपने नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर को बढ़ाता रहूंगा, तो ऐसा कुछ होगा। ये मेरी एरे है, ये मेरा इंडेक्स नंबर 0 है। ठीक है, मेरा पहला पैकेट आया ऊपर से, मैंने भेजा, पहला दूसरा पैकेट आया मैंने भेजा, तीसरा पैकेट आया मैंने भेजा, चौथा पैकेट आया मैंने भेजा, और ये मेरे विंडो की साइज है। तो मेरा नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ठीक यहाँ पे आ चुका है। और अच्छा, इसका वेट तो ज्यादा है। ठीक है, और मेरा सैंड बेस अभी यहाँ पर पड़ा है। मेरी एक्नोलिजमेंट नंबर 0 आएगी तो मेरा सैंड बेस यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, मेरी एक्नोलिजमेंट है नंबर 1 आएगी, मेरा सैंड बेस यहाँ पे शिफ्ट करता रहेगा। और अगर मेरा डाटा पड़ा है पहले से ही, मान लिया ये मेरा डाटा पड़ा है, जैसे ही मेरा सैंड बेस यहाँ पे शिफ्ट करेगा, मेरी नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी, ताकि मेरी विंडो का साइज हमेशा 4 मेंटेन रहे। ठीक ठीक है, और मान लिया उसके बाद क्या था, मेरी विंडो यहाँ पे शिफ्ट की, मैंने एक और पैकेट भेज दिया था, तो मैंने भेजा था ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक मैं भेज दिया था, लेकिन मेरे पास 2 का एक्नॉलेजमेंट अब तक आया नहीं था, मेरा 2 का टाइमर एक्सपायर हो चुका था। मेरा 2 का टाइमर एक्सपायर हुआ तो मैं 2 को वापस भेजूंगा, 3 को वापस भेजूंगा, 4 को वापस भेजूंगा, 5 को वापस भेजूंगा।
मैं सिर्फ लेफ्ट पॉइंटर को देख रहा हूं, ओनली गो फॉरवर्ड इफ वी कैन मूव लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, इफ टाइमर एक्सपायर्स फॉर लेफ्ट रिसेंड ऑल इन करंट विंडो, बस ये है। एक बार ये बताइए, जैसे ही हमारे पास जीरो का एक्नॉलेजमेंट वापस आया तब हम तो इग्नोर करने का, नहीं, मैंने जीरो का पैकेट भेजा और जीरो का एक्नॉलेजमेंट वापस आया, हाँ, तो मैं अपनी विंडो को आगे बढ़ा दूंगा, विंडो को आगे बढ़ाऊंगा और नेक्स्ट पैकेट कौन सा भेजूंगा, जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर पे है विंडो, हाँ वहां वाला, हाँ वही भेजूंगा। अगर एप्लीकेशन ने मेरे को और डाटा भेज रखा है तो मैं और अगला पैकेट भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ है ही नहीं ठीक इसमें, है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो था सिंपल सा, इसकी कमी क्या है, इसकी कमी ये है, वैलिड पैकेट आ रहे हैं लेकिन ये स्टिल उनको ड्रॉप कर रहा है, 3, 4, 5 को ये रख सकता था लेकिन इसने 3, 4, 5 को ड्रॉप कर दिया कंप्लीटली। ठीक है, अब ऐसा हो सकता था कि टाइम की वजह से 3 पहले आ गया, 2 बाद में आया, ऐसा हो सकता है, तो उस केस में सारे के सारे सारे के सारे ट्रांसमिशन वापिस होंगे, क्योंकि क्या होगा, 3 को इसने ड्रॉप कर दिया, 2 का एक्नॉलेजमेंट ये भेज देगा और 4, 5 को भी ये ड्रॉप कर देगा क्योंकि 3 इसको अब तक मिला ही नहीं है, वहां पे समस्या आ जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आते हैं सिलेक्टिव रिपीट, ये क्या बोलता है कि डाटा आया स्टोर करके रखो, बस ज्यादा कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, पैकेट नंबर 0, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, ऐसा होना था लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम मेरा पैकेट नंबर 2 ड्रॉप कर चुका है, सही है, सही है, ये मेरा पैकेट 2 ड्रॉप कर दिया, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर बोलेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 भेजो और एप्लीकेशन में ऊपर डाटा 0 भेज दो, ठीक है, ये मेरी है एक्नॉलेजमेंट 0। सिमिलरली 1 की एक्नॉलेजमेंट आई, ऊपर डाटा डाटा 1 भेज दिया, ये बोलेगा, यहाँ पे 3 आया, ये बोलेगा कि एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 भेजो, 3 कीप इन मेमोरी, ऊपर कुछ ना भेजो, 3 भेजो तो यानी आगे का डेटा मंगवाते भी रहो, अभी प्रोसेस को रोको मत, अगर वो प्रोसेस को रोको मत, 1 भेज देता तो प्रोसेस रुक जाता ना सेंडर्स के एंड से, वो फिर कहाँ पे प्रोसेस रुक जाता है? अगर पहले हम अगर 2 नहीं मिला था तो 3 वाला एक्नॉलेजमेंट 1 भेज दे रहा था ना, हाँ, तो अब हम एक एक्नॉलेजमेंट तरीके से 3 भेजेंगे, प्रोसेस को रोक देता था ना, पर अभी हम कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, हाँ हम कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे क्या तो होगा, नहीं तो नहीं मिला कोई बात नहीं, कभी बाद में मतलब ले लेंगे, अभी तुम सब सही कुछ बात है, स्टोर करते रहो, हाँ सही बात है। तो 0 आया, इसने 4 भेजा, 1 आया, इसने 5 भेजा, इसकी तरफ से सब कुछ सही चल रहा है अभी तक रिसीवर की तरफ से, ठीक है। अब रिसीवर को 3 मिला, इसका रिकॉर्ड रख ले बस कि 3 आ चुका है तेरा, तेरा अब तक 2 नहीं आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, टू का टाइम आउट हो जाएगा अभी, हाँ थोड़े टाइम के बाद 2 का टाइम आउट हो जाएगा। तो बेसिकली इस स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, इस स्टेज के अंदर अगर ये मेरी एरे थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 आ चुका है, 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, मेरी विंडो अभी तक 2 के ऊपर अटकी हुई है क्योंकि मैं 2 के आगे जा नहीं सकता, अभी 2 का मेरे पास कुछ नहीं आया अभी, ठीक है। ठीक है,
तो 4 आया, मान लिया मेरा 4 का एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आया, 5 का एक्नॉलेजमेंट मेरा यहाँ पे आया। इस स्टेज के ऊपर ये 4 के ऊपर टिक मारेगा, 5 के ऊपर टिक मारेगा। 2 का टाइमर मान लिया यहाँ पे एक्सपायर हो गया। बट जब 3 के ऊपर टिक मार रहा है तब वो आगे भेज नहीं रहा है, 6 को भेजेगा नहीं। ठीक हाँ, क्योंकि इसकी विंडो आगे बढ़ी है। नहीं अभी, विंडो जब 2 ही तक आगे बढ़ा है। इसका, हाँ, इसकी लेफ्ट वाली विंडो जब तक बढ़ेगी नहीं, और ये अपना 4 ही होगा फिक्स टाइम, जो कि अपना एन है। ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट 4 भेजेगा, 4 कीप इन मेमोरी। एक्नॉलेजमेंट 5 भेजेगा, 5 कीप इन मेमोरी। कीप इन मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे 2 का टाइम आउट हुआ, ये 2 वापस जाएगा। इसको मिला एक्ट 2, 2 का एक्नॉलेजमेंट मिला, ये 2 भेज देगा। 2 का टिक लगा, हमारी स्टेट क्या होगी। तो 2 पे एक्नॉलेजमेंट आने से पहले हमारी स्टेट ऐसी थी, 0 के ऊपर टिक था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, टिक 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 टिक, ये था इस स्टेज के ऊपर ऐसा, और ये मेरी विंडो यहाँ पे थी। 2 का टिक आते ही मेरी विंडो यहाँ पे चली जाएगी। अब हम वापस से 6 7 भेजना तुरंत सब हाँ, शुरू कर छह दें। छह सात सात यहाँ आठ से छह नौ जाएगा, 7 जाएगा, एन आठ तक जाएगा, भेज नौ जाएगा। हाँ, देंगे। चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर साइड, रिसीवर साइड ने बोला कि मैंने अब तक ऊपर 0 भेज दिया है, 1 भेज दिया है, 2 मैंने भेजा नहीं है, 3 मेरा मेमोरी में पड़ा है, 4 मेरा मेमोरी में पड़ा है, 5 मेरा मेमोरी में पड़ा है। रिसीवर साइड भी अपना ये मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। रिसीवर को जैसे ही यहाँ पे 2 मिल गया, रिसीवर क्या करेगा, सेंड तो टू एप्लीकेशन को भेज थ्री देगा फोर थ्री फोर फाइव फाइव सब एप्लीकेशन को हाँ, भेज देगा। और एक्नोलेजमेंट तो इसने भेज दिया। सही है। तो ये अपना सिलेक्टिव रिपीट, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता, नहीं ठीक है। तो सिंपल सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। और ये हमारे यहाँ पे अपनी थ्योरेटिकल डिस्कशन खत्म। अगली वीडियो के अंदर अपन करेंगे टीसीपी को चालू। टीसीपी के अंदर अपना कवर होगा टीसीपी का कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, टीसीपी का कनेक्शन टर्मिनेशन, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, और एक दो और चीजें हैं जैसे कीप अलाइव टाइमर वगैरह, इसके टाइमर्स वगैरह जो भी हैं, ये सारी चीजें अगली वीडियो में कवर होंगे।